जहां एक तरफ जिले में कोरोना कहर बनकर सभी पर टूट रहा है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी राजनीति करने से दूर नहीं है। जहां कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार ठहराते हुए आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब भाजपा कांग्रेस को कोसने और उन पर आरोप लगाने से पीछे नहीं है। जिसके चलते आज भाजपा युवा मोर्चा के रंजीत पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है और ओछी राजनीति कर रही है। तो वहीं भाजपा के द्वारा जब से कोरोना का अटैक शहर में हुआ है, तब से लगातार आम जन की सेवाओं में निरंतर लगी हुई है और लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरतमंदों को भोजन भी पहुंचाया गया है। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लगातार करीब 6 माह से वे गायब हैं और शहर की जनता से मिलने तक नहीं आए हैं। कांग्रेस और युवक कांग्रेस के लोग लगातार ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए ओछी राजनीति कर रहे हैं। वे संस्कारधानी में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वे ओछी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जब मार्च में कोरोना महामारी ने इस देश में अपने पांव को पसारा और अपने देश में जब वह बीमारी आई और मध्य प्रदेश में सबसे पहले जब जबलपुर में संक्रमित लोग मिले, तब से लेकर आज तक दिनांक तक यदि सामाजिक संगठन जो सेवा में लगे हुए हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे यदि किसी ने संवाद करने का काम, आम जनता आम नागरिक लोगों से संवाद करने का काम यदि किसी ने किया है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राकेश सिंह जी के द्वारा, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा लगातार सतत संपर्क और संवाद के माध्यम से लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मेरा कहना यह है, अभी युवक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि कल वे सांसद जी को जगाने जा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे सांसद राकेश सिंह जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे नेता सभी जागे हुए हैं, सभी कोई निद्रा में नहीं है, सभी जागे हुए हैं। यदि आपको ये करना है तो माननीय विवेक तनखा जी के घर जाएं, उनको जगाएं, उनको सवाल जवाब करने का बहुत शौक है, तो वे अपने जनप्रतिनिधियों से करें।